सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सरस्वती लिपि, ब्रह्मी लिपि, तमिल लिपि, अरबी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सरस्वती लिपि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन सा था? लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नरसिम्हा, नटराज, नृत्य करती हुई मूर्ति, शिव मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मूर्ति है? नृत्य करती हुई मूर्ति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? कृषि, व्यापार, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, लक्ष्मी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, दलहन, चावल, जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 4, 6, 8, 9। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 1, 2, 3, 4। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? फिसलन वाली, टेढ़ी मेढ़ी, चौड़ी व सीधी, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी व सीधी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14,
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? लक्ष्मी, विष्णु, शिव, इंद्र। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? शिव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड में, आत्मा व ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, लरकाना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अल्लादीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लादीनो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हाथी, बकरी, कुबड़ वाले बैल श्रृंगयुक्त पशु, गाय। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाले बैल श्रृंगयुक्त पशु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? काला रंग, हरा रंग, भूरा रंग, लाल रंग। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? लाल रंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, मजदूरी, व्यापार, उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। काली बंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की पहाड़ी, काले रंग की नगरी। काली बंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। मोहनजोदड़ो का अर्थ है देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, समृद्ध साम्राज्य, वीरान नगर। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग, ताम्र युग, पूरा पाषाण युग। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? केरल, पंजाब, असम, हरियाणा। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? हरियाणा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज, कबड्डी, दौड़, खो खो। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, खानाबदोश। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, श्री रंगपुरी। हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, जॉर्ज मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।